अगर आप फोटो स्टूडियो रन कर रहे हैं या फिर फोटो स्टूडियो खोलने के लिए सोच रहे हैं और एक कलर इंक टैंक प्रिंटर लेना चाहते हैं अपने स्टूडियो के लिए, जिससे आप बड़ी और पासपोर्ट दोनों तरह की फोटो बेस्ट क्वालिटी में सस्ते प्राइस में निकाल सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें, या फिर आप CSC कॉमन सर्विस सेंटर के लिए लेना चाह रहे हैं, या फिर आप कैफे के लिए एक कलर इंक टैंक प्रिंटर लेना चाह रहे हैं पर आप पैसे ज्यादा नहीं खर्च करना चाहते, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से इंक टैंक प्रिंटर हैं जिन्हें आप सस्ते में खरीद भी सकते हैं और सस्ते में प्रिंट भी निकाल सकते हैं पर प्रॉफिट बहुत अच्छा कमाने वाले हैं। तो वो कौन से प्रिंटर हैं ये भी इस वीडियो में बताऊंगा और आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूं आपके फोटो स्टूडियो के लिए। तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। आज इस वीडियो में दोनों तरह के प्रिंटर्स बताऊंगा। अगर आप केवल फोटोज प्रिंट करना चाह रहे हैं या फिर कोई भी पेपर प्रिंट करना चाह रहे हैं कलर या ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन केवल प्रिंट करना चाह रहे हैं, आपको नहीं करनी फोटोकॉपी, आपको नहीं करना स्कैन, तो ऐसे प्रिंटर्स भी आप ले सकते हो। सस्ते मिलेंगे पर क्वालिटी सेम निकलेगी। और अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ी बहुत फोटोकॉपी भी कर सको, स्कैनिंग मस्ट अगर आपके लिए है, स्कैनिंग भी करना चाहते हैं और कलर और ब्लैक एंड व्हाइट सस्ते प्रिंट आउट भी निकालना चाहते हैं, तो वो प्रिंटर्स भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो सबसे पहला मैं आपको प्रिंटर बताने वाला हूं आपके फोटो स्टूडियो के लिए, वो है कैनन की तरफ से आने वाले प्रिंटर। तो कैनन की तरफ से अगर आप कोई ऐसा प्रिंटर लेना चाह रहे हैं जिससे आप फोटो निकाल सके पर आपको स्कैनिंग और फोटोकॉपी की नीड नहीं है, तो आप मेरा फेवरेट कैनन G1010 ये वाला मॉडल ले सकते हैं। ये मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूं और यकीन मानिए आज तक मुझे एक सिंगल प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। इसका एक अपडेट वर्जन भी आ चुका है जो कि है कैनन 1020। ये दोनों ही सेम मॉडल हैं, सेम प्रिंटर हैं, सेम प्रिंटिंग कॉस्ट और सेम प्रिंटिंग क्वालिटी के साथ आते हैं। बस जो कैनन G1010 है ये थोड़ा पुराना है, लोगों का भरोसा इस पे ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा महंगा हो चुका है। हालांकि इसका प्राइस जो है वो कम ज्यादा हो सकता है, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। आप लिंक पर क्लिक करिए, आज का प्राइस आपको पता चल जाएगा। फिलहाल ये आपको 12,000 के आसपास मिलने वाला है और जो कैनन 1020 है इसे आप केवल 10,000 के आसपास ले सकते हैं। काफी सस्ता प्रिंटर है और काफी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी आपको देने वाला है। साथ ही ये प्रिंटर और इसकी सीरीज के जो और भी प्रिंटर है यानी कि कैनन जी सीरीज के, ये काफी मोटा पेपर भी सपोर्ट करते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा थिक पेपर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप इन प्रिंटर्स की तरफ जा सकते हैं। अगर प्रिंटिंग क्वालिटी की बात करें तो इसकी फोटो क्वालिटी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मैं आपको इसकी एक प्रिंटिंग क्वालिटी दिखाता हूं लाइव। आप मुझे देख रहे हैं ना सामने कैमरे पे, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ये देखिए, ये भी मैं हूं और ये भी मैं हूं और ये मैंने प्रिंट किया है कैनन के G1010 से। आप सामने क्वालिटी देख सकते हैं। अब ये मत पूछिएगा कि ये मैंने प्रिंट क्यों किया है। देखिए भैया, अकेले वीडियो बनाने वाले के लिए फोकसिंग बहुत मुश्किल होती है, तो ये मैंने फोकस करने के लिए एक जुगाड़ बनाया है। अपना ऑनलाइन जुगाड़ है तो उसमें जुगाड़ तो होना ही चाहिए। तो ये थी प्रिंटिंग क्वालिटी कैनन के G1010 की। सेम प्रिंटिंग क्वालिटी आपको मिलने वाली है कैनन G1020 में भी। प्रिंटिंग कॉस्ट की अगर बात करें तो आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट, चाहे आप फोटो कॉपी करें ब्लैक या फिर आप प्रिंट आउट निकालें, आपको केवल 10 से 20 पैसे का पड़ने वाला है। और कलर प्रिंट आउट आपको पूरा A4 पेपर पर लगभग 30 से 50 पैसे के बीच पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आप प्रिंटिंग क्वालिटी क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं या ड्राफ्ट कर रहे हैं, और प्रिंटिंग जो मैटर है वो क्या है, तो इसके बीच आपको प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ने वाली है। इंक भी इसकी काफी सस्ती आती है, आप चाहें तो ओरिजिनल इंक भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो कोई भी जेन्युइन इंक, जो अच्छी इंक होती है वो यूज कर सकते हैं। मैं इंक के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिनमें से आप अपने लिए कोई चूज कर सकते हैं, बस चूज अच्छी क्वालिटी के इंक ही कीजिएगा। इन्हीं प्रिंटर्स के अगर आप ऑल इन वन मॉडल्स लेना चाह रहे हैं यानी कि फोटोकॉपी और स्कैनिंग करने के लिए मॉडल्स लेना चाह रहे हैं, तो आप जा सकते हैं कैनन G2010 की तरफ और इसी का एक अपडेट वर्जन है कैनन G2020 यानी कि 2020। ये दोनों ही प्रिंटर आपको सेम प्रिंटिंग क्वालिटी, सेम प्रिंटिंग कॉस्ट देंगे जो अभी मैंने आपको बताई है, पर इसमें एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाएगा स्कैनिंग का, कलर स्कैनिंग का, ब्लैक एंड व्हाइट स्कैनिंग का, कोई भी स्कैनिंग कर सकते हैं। साथ ही कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही तरह की आप फोटोकॉपी भी इससे
कर सकते हैं। अगर इन प्रिंटर की कॉस्ट की बात करें तो ये वाले जो दोनों प्रिंटर हैं इन्हें आप ले सकते हैं 12,000 से 13,000 की कीमत में। ये डिपेंड करता है कि आप अभी कब वीडियो देख रहे हैं और इस समय प्राइस क्या है, तो आप लिंक पर क्लिक करके एग्जैक्ट प्राइस पता कर लीजिए। अगर बात करें एचपी की तरफ से आने वाले प्रिंटर्स की, तो इसमें जो प्रिंटर आप अपने स्टूडियो के लिए ले सकते हैं, फोटो निकालने के लिए ले सकते हैं, वो है सबसे सस्ता एचपी 115। ये एक सिंगल फंक्शन प्रिंटर है, मैंने काफी सारी वीडियोस में इसके बारे में बताया, लेकिन ये फोटो का स्पेशलिस्ट है। आप कलर प्रिंट आउट बहुत अच्छा इसमें निकाल पाएंगे। ये आपको 8,999 के आसपास मिल जाएगा। हालांकि इसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा रहती है क्योंकि डिमांड में काफी रहता है। फिलहाल अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब इसकी कीमत 8,999 है, तो आप इसको इस कीमत में ले सकते हैं। प्रिंटिंग कॉस्ट सेम पड़ने वाली है, 10 से 50 पैसे आपको ब्लैक एंड व्हाइट से कलर प्रिंट आउट तक की। और क्वालिटी की अगर बात करें तो मैंने इसकी क्वालिटी भी आपको ऑलरेडी प्रिंट करके दिखाई है वीडियोस में, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, यहां आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। और मैंने पर्सनली ये प्रिंटर्स भी यूज किए हैं, तो इन्हें आप ले सकते हैं। इन्हीं के अगर आपको ऑल इन वन मॉडल्स लेने हैं तो आप कहीं मत जाइए, केवल 300 सीरीज में चले जाइए। इसकी एचपी 315, एचपी 316 और एचपी 319 तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। 11,000 से 13,000 के बीच आपको ये प्रिंटर्स मिल जाएंगे, बहुत बेहतरीन प्रिंटिंग क्वालिटी है और आप इससे कलर स्कैनिंग और फोटोकॉपी भी कर सकते हैं बहुत सस्ते में। दोस्तों अगर कलर फोटोज की बात की है तो हम एप्सन को कैसे भूल सकते हैं। एप्सन ही वो पहली कंपनी थी जो इंक टैंक प्रिंटर मार्केट में लेकर के आई थी, जिसकी वजह से अर्जेंट फोटोज पॉसिबल हो सका। तो इसमें आपको मैं तीन मॉडल्स बताने वाला हूं। इसका जो सबसे रिलायबल और सबसे पुराना मॉडल है वो है एप्सन L130 सिंगल फंक्शन प्रिंटर। प्रिंटिंग क्वालिटी बेजोड़ है, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत सस्ती है, वही 10 से 50 पैसे के बीच। मगर यहां पर एक ट्विस्ट है, ये इतना डिमांड में रहता है कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब इसकी कॉस्ट अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज ये 18,999 का है। सोच के देखिए, बड़े बड़े वाईफाई और ड्यूप्लेक्स प्रिंटर को भी इसने फेल कर दिया है, इतनी डिमांड में रहता है। तो अगर आपको कहीं ये सस्ता मिल जाता है या आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लिंक पर क्लिक करने पर आपको इसके प्राइस कम मिलते हैं, तो दौड़ के इसको खरीद सकते हैं आप, क्योंकि ये बहुत ही ट्रस्ट वाला मॉडल है प्रिंटिंग स्टूडियो यानी कि फोटो स्टूडियो के लिए। अगर आप आज लेना चाह रहे हैं और आज इसका प्राइस ज्यादा है तो आप इसके ऑल इन वन मॉडल्स को ले सकते हैं, जो कि है एप्सन L3211 और एप्सन L3210। दोनों में ही कोई अंतर नहीं है, बस थोड़े से एडवांस एक दूसरे के अपग्रेड मॉडल हैं। और ये आपको मिल जाएंगे 12,000 से 13,000 रुपए की कीमत में। इनमें आप सेम फीचर्स मिलेंगे आपको जो अभी मैंने आपको बताए हैं, साथ ही आप फोटोकॉपी और स्कैनिंग भी कर सकते हैं। इंक भी आपको इसकी काफी सारी अवेलेबल हो जाएंगी मार्केट में, अगर आप ओरिजिनल नहीं डालना चाहते तो एप्सन की इंक की तो भरमार है, भरी पड़ी है, आप जो चाहें वो इसमें यूज कर सकते हैं, मगर अच्छी इंक का ही यूज कीजिएगा। दोस्तों अब मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी की जो बहुत सस्ते में बहुत सारे फीचर्स देती है, और वो है ब्रदर। ब्रदर की जो T220, T226 सीरीज है, ये मॉडल्स आप ले सकते हैं केवल 10,000 से 12,000 रुपए की कीमत में। प्रिंटिंग क्वालिटी इनकी भी बहुत कमाल की है और इनमें आप स्कैनिंग फोटोकॉपी सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिंगल मॉडल प्रिंटर जो है वो अवेलेबल नहीं है, आप सिंगल मॉडल के प्राइस में इन्हें खरीद सकते हैं। मैंने इन सारे ही प्रिंटर्स में आपको वाईफाई प्रिंटर नहीं बताया, क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं स्टूडियो के लिए सस्ते प्रिंटर्स की। पर अगर ब्रदर की बात करें तो ब्रदर का एक प्रिंटर है ब्रदर DCPT 426W। डब्ल्यू मतलब वाईफाई, और यह प्रिंटर आपको 13,000 रुपए की कीमत में मिलेगा। आप इससे प्रिंट कर सकते हैं कलर ब्लैक एंड व्हाइट दोनों, फोटोज बढ़िया निकाल सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं, फोटोकॉपी कर सकते हैं, साथ ही ये वाईफाई भी है। तो अगर आप कम पैसे में बहुत कुछ चाह रहे हैं और साथ में आप कलर फोटो और प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हैं तो आप इस मॉडल को भी ले सकते हैं। ये सारे ही प्रिंटर्स आपको 13,000 से कम की कीमत में मिलने वाले हैं, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आप इतने सारे मॉडल्स के बीच में अपने लिए कौन सा सेलेक्ट करें, तो आप निसंकोच इनमें से कोई भी एक प्रिंटर चूज कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब में 1 ईयर की वारंटी है और सारे ही मॉडल्स काफी फेमस मॉडल है। मैंने ऐसा कोई प्रिंटर इस वीडियो में नहीं बताया है जिसको आप ले लेंगे और आपको उसकी सर्विस नहीं मिलेगी या फिर पार्ट्स नहीं
मिलेंगे। सारे काफी पुराने मॉडल है और काफी रिलायबल मॉडल है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद आपने अपने लिए अपना एक फोटो प्रिंटर चूज कर लिया होगा अपने स्टूडियो के लिए, पर अगर फिर भी मन में कोई डाउट है तो कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है, दिल खोल के कमेंट करिए, मैं दिल खोल के रिप्लाई करूंगा। मैं अपने हर वीडियो में रिप्लाई करता हूं, कोई भी मन में शंका हो तो जरूर पूछिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, आपके काम आया, तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए, फैमिली की हेल्प कीजिए, उन्हें भी दबा के वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो ऑनलाइन जुगाड़ फैमिली के मेंबर बन जाइए, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।